हेलो बच्चों, रिवीजन क्लास में मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उसमें जो बता रहा हूँ उसको आप याद रखना। इस टॉपिक का नाम है पॉलीगन। पॉलीगन। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अभी जो पॉलीगन है बच्चा, इस पॉलीगन में आप देखो कि पॉलीगन होता क्या है, द क्लोज फिगर फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि अगर आपको बहुत सारे पॉलीगन दे रखे हैं और आपसे पूछे कि ये बताओ कि किस पॉलीगन का फॉर गिवन पैरामीटर के लिए एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे आपको ट्राइंगल दे रखा है, क्वाड्रिलेटर दे रखा है, पेंटागोनल दे रखा है, हेक्सागोनल दे रखा है। अच्छा, ध्यान रखना कि सर्किल इज आल्सो ए पॉलीगन विद द इनफाइनाइट साइड। इनफाइनाइट साइड आपसे बोल रहे फॉर गिवन पैरामीटर किसका एरिया ज़्यादा होगा, तो जिसकी साइड ज़्यादा उसका एरिया ज़्यादा, बस ये। अच्छा, दूसरी बात, हो सकता है कि कई बार आपको क्वाड्रिलेटर खूब सारे देते हैं और इसमें पूछे कि बताओ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस किसका एरिया ज़्यादा होता है, तो अभी अब इतना सॉल्व करने का टाइम तो होगा नहीं। फॉर गिवन पैरामीटर स्क्वायर जो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होगा उसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कम सिमेट्रिक वाला रेक्टेंगल आयत का एरिया होगा, उसके बाद उससे और कम सिमेट्रिक देने वाला रोम्बस रोम्बस का एरिया होता है। ठीक है, वैसे ही अगर ट्राइंगल में अगर कोई पूछे फॉर गिवन पैरीमीटर किसका एरिया ज़्यादा होगा, तो मोर सिमेट्रिक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा होगा, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, पॉलीगन में वैसे अधिकतर सारे क्वेश्चन आपके तीन चार फॉर्मूले से हो जाते हैं। आपको पता है पॉलीगन में आपके सिलेबस में वैसे रेगुलर आएगा, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हिंदी में बोलते हैं सम बहुभुज। सम बहुभुज मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल सेम होते हैं। अच्छा, इस सम बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन में आपको ये पूछा जाता है कि इसका एक एंगल कैसे निकालोगे, तो बोलोगे एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई एन, ये एक एंगल। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर, ये पहला फॉर्मूला है कि इसके इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है पॉलीगन का। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, इसमें एक एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे किसी भी पॉलीगन में, क्योंकि आपको पता है पॉलीगन में सभी एंगल का सम होता है 360, और जितने साइड्स होती हैं उतने एक्सटर्नल एंगल होते हैं, तो ये इतना एक्सटर्नल एंगल। तो ये दो फॉर्मूला, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 180 होता है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि ये तीनों फॉर्मूले से आप लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हो पॉलीगन के। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, देखो कैसे आएगा। इसका पहले टाइप का क्वेश्चन आपको बोलेगा कि ट्राइंगल में पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो है 4:1, तो बताओ पॉलीगन की साइड्स क्या है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना है, ये आता है कई बार। तो वैसे मैंने एक फॉर्मूला भी बना रखा है कि नंबर ऑफ साइड्स अगर आपसे पूछे तो आप इंटरनल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्लस वन कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। अच्छा, फिर भी अगर आप देखना चाहें कि नहीं सर इसको आप कॉन्सेप्ट से बताओ कि कॉन्सेप्ट से इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, कि सर ये तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, तो देखो कॉन्सेप्ट से भी बड़ा आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने आपको बताया ना कि लगभग सारे क्वेश्चन इन तीनों कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखो, जब भी किसी पॉलीगन की साइड्स पूछे आपको हमेशा इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है, 3x अपॉन एक्सटर्नल एंगल, बस इसी से हमेशा इसकी साइड्स निकलती है। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि इंटरनल एंगल वैसे और एक्सटर्नल एंगल का रेशियो दे रखा है, तो आप बता सकते हैं दोनों का सम कितना है, 5:5। और आपको अभी पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो 5:5 इस क्वेश्चन में किसके बराबर है, 180 डिग्री। तो 1:5 बच्चों किसके बराबर होगा, 5 से भाग दे दो 15, तो 36 डिग्री के बराबर है। तो अब इस 1:5 को ही तो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल क्वेश्चन में दे रखा है, बस इस 1:5 की वैल्यू यहाँ पे रखो और आपका आंसर साइड्स कितनी हो गई, 360 बाई 30, तो कितना हो गया 10। ये पहला फेमस क्वेश्चन है जब इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का रेशियो गिवन है। बताओ मुझे जल्दी से बताओ, आया सबको, ठीक है। अच्छा, पॉलीगन का दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपको इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस देता है। क्वेश्चन दे रखा है कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस है 140 डिग्री, तो बताओ इसकी साइड्स क्या है। कुछ भी नहीं करना है बच्चा, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का आपको सम पता ही है कितना होता है, 180, ये पता है आपको, ये बनाती है। कुछ नहीं करो, इसको माइनस कर दो,
तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा टू एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा दोनों तरफ माइनस प्लस कर देना, ये हो गया 40, तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया 20। और जैसे ही एक्सटर्नल एंगल आ जाए तो नंबर ऑफ साइड्स आप बता ही सकते हो, 360 बाई 20, तो आप बोलोगे 18। बस कितना सिंपल, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आया सब क्वेश्चन में। इस पॉलीगन का तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि दो पॉलीगन देते हैं और उसकी साइड्स का रेशियो देते हैं, है ना, दो पॉलीगन की साइड का रेशियो देते हैं कि दो पॉलीगन है, इसकी साइड का रेशियो है 2:1। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्या कहते हैं कि दोनों के इंटरनल एंगल का डिफरेंस दे देगा आपको 4 डिग्री। एक क्वेश्चन आता है दोनों के इंटरनल एंगल का रेशियो दे देगा 5:1, ऐसा कुछ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में नहीं आ रहा, बहुत ही सिंपल होता है। ये जो साइड्स होती है ना बच्चा, इसको आप लिख सकते हो कि एक की साइड 2n है, एक की साइड n है। अगर पहला क्वेश्चन होगा तब भी टेंशन नहीं करना, आपको पता है 2n-1 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2n, इसकी होता है इंटरनल एंगल। अच्छा 2n क्या रखा है, वो जो फॉर्मूला था ना आपका, क्या था फॉर्मूला, n-1 × 180 डिवाइडेड बाई n, उसमें मैंने n की जगह 2n रख दिया, माइनस दूसरे का क्या क्या हो जाएगा, n-1 × 180 डिवाइडेड बाई n, और इसको बराबर किसके कर दो, 4, सीधा आंसर। अच्छा अगर ये दूसरा क्वेश्चन होता तब भी वैसे ही करना है। अब देखो इसके शॉर्टकट भी बहुत सारे बने हुए हैं पर इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, तो आप इसी को फॉलो कर लो फिलहाल, है ना। जिनको मैंने शॉर्टकट बताया आप उस शॉर्टकट से भी जा सकते हो, पर शॉर्टकट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलीगन के क्वेश्चन में। ये 5/1 कर दिया और आपका सीधा आंसर, बस इतना सा पॉलीगन है ना। पॉलीगन में कोई और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है। वैसे एक मैंने अपने बुक में दे रखा है कि सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार, है ना, बता देते हैं। जैसे ये पॉलीगन है, पेंटागन है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये स्टार बन जाएगा। तो इसके इस एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसका सम का फॉर्मूला। या जैसे आपका हेक्सागोनल है, इसमें इस साइड्स को आगे बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, स्टार। तो इसमें इन सब का सम का फॉर्मूला पूछा है ना। या फिर ऑक्टागोनल है ना, इसमें आपसे पूछे जाएगा इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, तो इन सब का फॉर्मूला। तो ये सारे क्वेश्चन का फॉर्मूला मैंने एक बना रखा है, n-4 × 180। इट्स वेरी फैंटास्टिक, इट इज द सम ऑफ आउटर एंगल। अभी टाइम नहीं है इसको समझो, मैं प्रूफ अभी नहीं बता पाऊंगा। एंड दिस ऑल अबाउट द, इतना सा है पॉलीगन जो आप याद रखेंगे। बताओ याद रखोगे, ठीक है बच्चों। चलिए, और जो बच्चे अगर रिविजन क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स